अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आयशाज़ व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ। और आज जो है हम जा रहे थे क्लॉक टावर की हाइटी, सो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दें कि वहाँ का मेन्यू क्या है और हाइटी में आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी। सो मैंने सोचा कि व्लॉग शूट करते हैं। बस मुझे जस्ट अपने बाल थोड़े से बनाने हैं, बाकी मैं रेडी तो हो चुकी हूँ, तैयार हो चुकी हूँ और फिर निकलते हैं बस घर से। जी तो मैं तैयार हो चुकी हूँ, बस अब हम निकल रहे हैं। जी तो हम निकल चुके हैं, गाड़ी करवाई थी हमने और अभी हम रास्ते में हैं। और मैंने अभी तक टाइम भी नहीं पूछा था आईटी का कि आईटी का टाइम क्या है, और देखते हैं चल के क्या होता है। वरना फिर जो रात के डिनर का है वही स्लॉट हम बुक करवा लेंगे अगर आईटी का टाइम निकल गया होगा। वैसे तो होगा आईटी का टाइम, हमारी मम्मा भी तैयार हुई हुई है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है क्योंकि ऑफिस की छुट्टी का टाइम है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है। जब हमें कहीं जाना होता है तब कोई ना कोई मसला ज़रूर होता है, और इनकी गाड़ी का कोई मसला हो गया है और हम यहाँ पर खड़े हैं रास्ते में। अब देखें क्या सीन होता है, गाड़ी ठीक होती है। तीसरी बार उनकी गाड़ी ख़राब हुई है और इन ड्राइव का एक्सपीरियंस खराब की बार का बहुत गंदा रहा है। तकरीबन 6 बजने वाले हैं और हम अभी तक नहीं पहुँचे हैं। बहुत बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है। अभी भी इनकी गाड़ी ख़राब है और वो ठीक कर रहे हैं, बार बार उतरते हैं, वहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर गाड़ी बंद हो जाती है, पता नहीं क्या इशू है। जी तो फाइनली इतनी मुश्किलात के बाद हम पहुंच गए हैं क्लॉक टावर, और अभी मेरे ख्याल से तो हाइटी भी ख़त्म हो गई होगी, देखते हैं क्या सीन है, चलकर पता करते हैं। जी तो अभी बूफे में काफ़ी टाइम है, वो कह रहे हैं 7 बजे स्टार्ट होगा और अभी 6 बजे हैं, और अभी वेटिंग है तो फिर वेट करते हैं, क्या कर सकते हैं, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ये व्यू है यहाँ से, काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है, नीचे से और ज़्यादा अच्छा आएगा क्योंकि मिरर काफ़ी गंदे हो रहे हैं। ये एक कैंटीन बनी हुई है सिटिंग के लिए। क्लॉक टावर काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है, बहुत प्यारा बना हुआ है क्लॉक टावर। वो नाइस व्यू। जी तो यहाँ से व्यू काफ़ी हसीन है, देखें आप ऑलमोस्ट पूरा सी व्यू नज़र आ रहा है। पर मेरे पास कोई मेरी पिक्चर्स लेने वाला नहीं है, मम्मा नहीं ले सकती मेरी पिक्चर्स, अब क्या कर सकते हैं, एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर भी काफ़ी ज़बरदस्त सेटिंग है, वैसे इतनी बुरी जगह नहीं है, मतलब 1 घंटा आप आराम से गुजार सकते हैं यहाँ पर। हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही है और व्यू भी बहुत ज़बरदस्त है, और सेटिंग यहाँ पर देखें कितनी अच्छी है, और यहाँ पर लाइट्स भी बहुत अच्छी हैं, कितना अच्छा व्यू आ रहा है। लेकिन टाइम गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है, पर क्या कर सकते हैं, अब वेटिंग है तो करना पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने कहा कि जो लास्ट हमारा स्लॉट था वो 6 बजे तक का था और वो ख़त्म हो चुका है, और अब डिनर का स्लॉट है और वो तकरीबन 7 बजे का है, तो अब वेट करना पड़ेगा। जी तो ये ऊपर भी एक सेपरेट रेस्टोरेंट बना हुआ है, आप यहाँ भी ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो बूफे सिस्टम नहीं है, यहाँ पे जो ऑर्डर है वो सेपरेट आप ऑर्डर करेंगे, जो भी चीज़ आपको मंगवानी है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा बना दिया पहले से, पहले से काफ़ी अच्छा बना अच्छा दिया ना, बना दिया, बहुत अच्छा है। दी विलेज था पहले इसका नाम ना, लेकिन इतना अच्छा नहीं था तब, अब तो बहुत अच्छा बना अच्छा दिया इन लोगों ने। यहाँ से व्यू भी बहुत खूबसूरत है, और द विलेज जो था वो इतना खूबसूरत नहीं था, बहुत प्यारा बना दिया है, ज़बरदस्त बनाया। मैं जस्ट बाहर से देखती थी, मुझे लगता था सिर्फ के विलेज जैसा ही होगा सेम ना, लेकिन आज विज़िट किया तो काफ़ी अच्छा है,
और डिनर की इनकी क्या क्वालिटी है, डिनर कैसा है, वो ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत शदीद भूख लग रही है और अभी भी तकरीबन आधा घंटा है और सुबह से ये टाइम हो गया है, तकरीबन 6:30 हो रहे हैं। सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ, भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, बस अब वेट करना पड़ेगा, क्या करें, आधा घंटा और है मज़ीद। जी तो हम अंदर आ चुके हैं और वेट कर रहे हैं, अभी भी तकरीबन 15-20 मिनट लगेंगे। स्टार्ट हो गया है, डिनर बूफे है क्लॉक टावर का और काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा है तो मुझे थोड़ा सा तेज़ बोलना पड़ेगा। ये सबसे पहले ये जो है ये सॉसेज है सारी, इसके बाद ये सैलेड का सेक्शन है जिसमें हर तरीके का सैलेड है और साउंड बहुत ज़्यादा तेज़ है तो आवाज़ नहीं आ रही है। ये चना चाट भी है इनके पास, ये ब्लैक ऑलिव्स हैं, ग्रीन ऑलिव्स हैं और ये सारे टोटल सैलड्स हैं। जी सैलड्स के बाद ये डिज़र्ट है, डिज़र्ट में जेली है, पेस्ट्रीज हैं और ये ब्राउनी है, आई डोंट नो इसे क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता। हॉट गुलाब जामुन, यमी गुलाब जामुन भी हैं और आई थिंक ये कस्टर्ड है, शाही नहीं शाही टुकड़े हैं ये, और ये पता नहीं क्या है बट बहुत यमी लग रहा है। सारे डिज़र्ट्स बहुत ही ज़्यादा यमी लग रहे हैं, हो सकता है मुझे साउंड लगाना पड़े यहाँ पर क्योंकि आवाज़ में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है। ये फ्रूट्स हैं, ये जेलीज हैं और खीर भी है और पुडिंग भी है, काफ़ी यमी चीज़ें हैं। लबेशीरी भी है, स्पाइसी पास्ता है, यमी। और ये क्या है, ये है बीफ निहारी और ये सारे उसके मसाले वगैरह हैं, मटन कीमा और दाल, यमी। और ये हैं दाल चावल, कड़ी पकौड़ा और ये आई थिंक साग है, पालक पनीर। मेन्यू तो काफ़ी सारा है इनके पास, चिकन वाइट कढ़ाई, चिकन जिंजर, वाओ। और आई डोंट नो ये क्या है, ये काबली पुलाव है, अफगानी पुलाव भी है और ये है सूप जो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे। ये है, ये भी सूप है, चिकन बिरयानी, ओह यमी। लेकिन इनके कैप्स काफ़ी हैवी हैं, मटन कढ़ाई, यमी, चिकन कढ़ाई। और ये क्या है, जी दाल और मिक्स वेज, जी ये है मटन पाया, वाओ, मिक्स नान, रोगनी नान भी हैं और दूसरे नान भी हैं, ब्रेन मसाला जो कि मैं कभी ज़िंदगी में नहीं खाऊंगी ब्रेन मसाला, इसके अलावा वाइट पास्ता, वाइट पास्ता मेरा फेवरेट है। इसके अलावा यहाँ पर बर्गर्स वगैरह भी मिलते हैं और भी डिशेस हैं, लेट्स चेक। हलवा और पूरी, वाओ, अच्छा हलवा है, पूरियाँ आपको गरम गरम मिलेंगी यहाँ पर। ये क्या है, ये है आलू तरकारी और चना तरकारी और ये इसकी सॉसेज हैं और सैलेड्स हैं, ये फ्राइड प्राउन हैं, ये फ्राइड फिश है और ये फ्रेंच फ्राइज हैं और ये इनकी सारी सॉसेज हैं। ओके ये सारे चाइनीज़ आइटम हैं, ये चिकन शास्त्रिक और चिकन चिली ड्राई है और एग फ्राइड राइस हैं ये। ओके
और ये लास्ट में क्या है, चिकन चाउमीन, यमी। तो मैं अपना डिनर स्टार्ट करूँगी और उसके बाद आपसे मिलूँगी और खाने का रिव्यू आपको लाजमी दूँगी कि खाना कैसा था, मुझे कैसा लगा। जी तो मेरा खाना कंप्लीट हो चुका है और मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ देसी समझ आया, इसके अलावा कुछ अच्छा नहीं लगा। देसी फूड बहुत अच्छा था, चाइनीज़ अच्छा नहीं था और डिज़र्ट्स में भी कुछ खास टेस्ट नहीं है। गुलाब जामुन बहुत अच्छे थे। बाकी का रिव्यू मैं आपको बाद में दूंगी खाने का। तो बस हम अब ऊबर करवाएंगे और घर जाएंगे और इस ब्लॉग को भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। पीछे आपको क्लॉक टावर नज़र आ रहा होगा और यहाँ पर अंधेरा हो रहा है क्योंकि मेरी वीडियो नहीं आ रही है। सो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। होपफुली आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ गाइज डू कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो लाजमी हो गया है ना कि करना है ना। ठीक है, मेहनत करें ऑफकोर्स, तो सब्सक्राइब तो बनता है ना कि सब्सक्राइब करें आप लोग। और ये तो मेरी स्टार्टिंग है अभी। आपको पता है मेरे साथ होता क्या है कि मतलब मैं थोड़ा सा ना क्राउड में जाके परेशान हो जाती हूँ क्योंकि लोग इतनी अजीब नज़रों से देखते हैं कि ब्लॉगिंग कर रही है, तो लोग थोड़ा सा वेयर्ड बिहेव करते हैं, इनके देखते हैं, हंसते हैं इस तरीके से। तो मेरे लिए थोड़ा सा शूट करना बाहर जाके मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं अपने 100% देती हूँ और शूट करती हूँ। सो होपफुली आप लोगों से भी मैं यही एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरा साथ देंगे। सो मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।